रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप अपना होस्ट जुनेद मुगल और हाजिर हो गया हूँ आपकी खिदमत में आज एक ब्लॉग, कहना है ब्लॉग कह लो, जो कहना है कह लो, ठीक है ना। एक यादगार वीडियो लेके ना। तो दोस्तों, असल में सीन ये है कि हमारा प्लान बना था दोस्तों का टूर टू स्वात, ठीक है ना, जिसमें से एक दोस्त का इलाका ही स्वात था। तो उसने कहा कि यार आओ सारा स्वाद देखते हैं। हमने कहा ठीक है। तो खैर दोस्तों, ये वीडियो जो इंट्रो आप लोग अभी देखते हो ना, ये इंट्रो मैं तकरीबन टूर से आने के एक हफ़्ते बाद में शूट कर रहा हूँ ये इंट्रो, ठीक है ना। तो टाइम ही नहीं मिला असल में आके, कुछ गेमें वगैरह थी जो डाउनलोड करनी थी, तो ब्लॉग अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी फारिग बैठा हुआ था तो ब्लॉग को कट क्रॉप किया, तो सोचा एक इंसानों वाला इंट्रो भी शूट कर लूँ। तो जल्दी मैं एक इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों, फौरन आप लोग जाओ ब्लॉग की तरफ और ब्लॉग इंजॉय करो। और इस ब्लॉग में दोस्तों बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, तो माफ़ करना उन गलतियों का, बस नेचर इंजॉय करो, ठीक है। आप इस वक्त देख सकते हैं आपका भाई स्वात के खूबसूरत एरिए में है, और ये पानी है पीछे, और बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी इंजॉय करो यार, हम गबीन जबा के बस पास पहुंचने ही वाले हैं स्वात में। गबीन जबा गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत ही बेहतरीन जगह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिंदा ट्रॉट ट्रॉट फिश ना। एक सेकंड, मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखाता हूँ ट्रॉट फिशेस। ये एक सेकंड, जिंदा मछली का कैमरा में उल्टा नज़र आ रहा है। तो आपके भाई का कैमरा तो इस वक्त इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये नज़र आ रही होंगी आप लोग को, ये सारी फिशेस, ये सारी ट्रॉट फिशेस हैं बेहतरीन किस्म की। ये इनको ऊपर खाना वगैरह डाला गया है, देखें आपको नज़र आ रही है। अगर कोई बंदा ख़रीदता है तो ये तराजू पास है, ऐसे उसको डाल के दे दी जाती है, ठीक है ना। तो बाकी यार व्यू चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का व्यू है यार। सरप्राइज़ प्लान बना है हमारा, ठीक है ना। फबिया अला रबिकुमा तो कज़िबा। दोस्तों चश्मों का पानी, सुभान अल्लाह। दोस्तों जाना दोस्तों, ये पानी जो आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये आपके भाई ने पिया है, तो ऐसा बेहतरीन किस्म का पानी है ना, इसका कोई वज़न है ही नहीं, यानी कि आप 3 से 4 गिलास भी पी लो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पानी पिया है। प्यास आपकी बुझ जाएगी और मैदे पर कोई बोझ नहीं होगा। बेहतरीन स्वाद, बेशक पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड ऐसे ही नहीं इसको कहा जाता, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो इसलिए कहा जाता है। तो दो बंदे इस वक्त हमारे नीचे हैं, दो बंदे हमारे इस वक्त ये ऊपर चढ़ाई चढ़ के जा चुके हैं। 125 मोटरसाइकिल की ताकत से आप लोग सारे वाकिफ हो, पावरफुल गाड़ी है, जवाब दे चुकी है। और बंदे यहाँ पे स्टार्ट करके गियर में डाल के एक बाइक लेके गए। अब एक घोड़े, तो अब दूसरी बाइक नीचे महमूद की, वो आ रही है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, हमारा एक बंदा गिरा भी है लेकिन चोट नहीं लगी, मिट्टी है ना। तो यही अपडेट थी, फिर होती है बात। बाइक तो ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन अब महमूद की बाइक रह गई है। तो ये बंदा जो है ना, ये हाशिर आ रहा है, ठीक है, व्लॉग में आप लोग इसको देख लोगे। तो वो महमूद भाई बाइक लेकर आ रहा है और बैठ के ला रहा है, देखते हैं कहाँ तक चलती है। तो बाकी आगे एक और हमारे भाई हैं, वो आ रहे हैं, और इसको मैं कह रहा था बैठ के ना लेके जाओ ना लेके जाओ, लेकिन ये नहीं मान रहा था। अब ये ट्राइयां मार रहे हैं, अभी देखो उतर गया है। मैं जूम करके कर रहा था, वही गियर में डाल के लेके जानी पड़ रही है इसे। तो बाकी लड़के ऊपर भी पहुंच चुके हैं, और व्यू चेक करो दोस्तों आप लोग। इस वक्त हम बहुत ऊंचाई पे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, बस समझो हम दोस्तों आपको भाई इस वक्त बादलों के में जो पहाड़ आप लोग को नज़र आ रहे होते हैं ना, उसमें आपका भाई बैठा हुआ है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाकी गर्मी है, इलाका है बहुत ठंडा, अभी हमारे जैसे नॉर्मल होगा, हमें ठंड लगनी है, लेकिन राइट नाउ गर्मी से बुरा हाल है, बहुत ठंडी जगह दोस्तों आपस की बात है। ये तो हमने सारे मसल हमारे बॉडी की हरकत में आए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है ना, तो होती है फिर बात, ठीक है। दोस्तों आलमोस्ट एक घंटा पैदल चलने के बाद, तो हम इस वक्त मालम जब्बा के बिल्कुल टॉप पे
इधर पीछे ये हमारा टेंट लग रहा है, कैंपिंग होने वाली है यहाँ पे सारी रात इंशाल्लाह। और ये सारी आवाम, ये आपको टेंशन नज़र आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आए हुए हैं। तो पैदल चले हैं, अपना भी पता चल गया कि जी सुना हुआ था पुराने ज़माने के लोग मजबूत होते हैं, ऐसी वैसी बात नहीं, हम भी बड़े मजबूत हैं, हम भी चढ़ गए हैं जी मालम जबा के टॉप पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइकों पर ही चढ़े, पैदल चले, आप लोगों ने व्लॉग के पिछले सीन में देख लिया होगा। तो बाकी व्यू चेक करो, कह सकते हो किस वक्त आपका भाई बादलों में है, ठीक है ना। तो बाकी बहुत ही बेहतरीन व्यू है, आप लोग की दुआओं से और अल्लाह के करम से आपके भाई ने ये जगह देखी, वरना हम कहाँ, इतनी जल्दी हमने उम्मीद नहीं लगाई थी कि देख पाएंगे, लेकिन वैसे कुछ दोस्तों की करम नवाजी, आप सबकी दुआएं और अल्लाह का करम है। तो ये हमारी फिरारी खड़ी है, एक ये और एक ये, तो होती है फिर बात आप लोगों से, ठीक है। तो बाकी दोस्तों इनफिनिक्स के कैमरे से व्लॉगिंग हो रही है, तो अगर ऑडियो डिले अगर आ रहा हो तो माजरत उसके लिए, चिल मारो बाकी इंजॉय करो यार। तो दोस्तों इस वक्त आपका भाई कुछ ऐसी लुक में आ चुका है, और वो रहे सामने जो कैंप है, ये हमारा टेंट, और ये महमूद हाशिम लोग सारे, ये लोग मुर्गी वगैरह धो रहे हैं और खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, और मैं और ज़ियाउल्लाह भाई वो नीचे, हम लोग जो हैं लकड़ियाँ जमा करने आए हैं। तो काफ़ी लकड़ियाँ जमा हो भी हैं, लेकिन रात गुजारनी है तो लकड़ियाँ जितनी ज़्यादा हों उतनी कम है। तो बाकी यार बार बार व्यू देखो बस, तो जाता हूँ मैं नीचे लकड़ियाँ देखते हैं। और ये रुमाल में आप लोग कह रहे हो कि इसने क्यों पहना डाकू बन के, यहाँ पे थोड़ी दोस्तों एलर्जी मुझ पर हमलावर हो रही है, तो सेटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैंने कहा रुमाल पहन के लकड़ियाँ शकड़ियाँ तोड़ें, ठीक है। तो होती है फिर बात। अगर आप दोस्तों में से कोई बंदा गेमर है तो टॉम क्लैंसी गोस्ट रिकॉन वाइल्ड लैंड, सेम वही जंगल है दोस्तों। वाह यार फुल मजे ही मजे, लकड़ाया तैयार हो मधुमरे च नोड़े पगे पूरी पूरी लगे च नोड़े जैसे पूरे ने ना लिए करना चाहिए, बस सब को खुश टाइम पगे यार अलग सब और को करते लगा से अच्छी ब्याह च सार दा पार सार दा बार पगे लगे जो की को लगे तो जे हमारा सही लगे पाते पगे मडे रहो दा स्पिन पाते माता कारी मडे रहो हाशिर। तो दोस्तों आप लोग के लिए तो ये व्लॉग देखने में एक 10 या 12 15 मिनट की एक वीडियो होगी, लेकिन भाई आपका काफ़ी यहाँ पे इंजॉय भी कर रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, मतलब मेहनत भी हो रही है, ये पहाड़ों चाड़े हैं। तो खैर गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, इट्स रात गुजार लिया, पीछे आप लोगों को कैंप नज़र आ रहा है, बाकी लोग के वो दूर कैंप है, आपके भाई लोगों ने अकेला डेरा लगाया था। तो सीधी बात बोलूँ तो दोस्तों रात को नींद नहीं आ पाई, क्योंकि बस चले इतना इन पहाड़ों में है तो गोडे दर्द करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई हम चढ़े, बहुत ज़्यादा दोस्तों आप लोग की सोच से भी ज़्यादा। तो एक सेकेंड यार चादर सही कर लें, अच्छा जी हाँ। तो बहुत ठंड है दोस्तों इस वक्त, इंटरनेट तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ व्हाट्सएप ने मैंने 10 मिनट में एक स्टेटस लगाया, आवाम को दुनिया को भी खबर करना पड़ता है ना। तो बाकी वरना आप लोग को बताते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, कुछ नहीं दोस्तों इस वक्त यहाँ पे जो है ना 9-10 टेम्परेचर है, और ये सुबह के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, बल्कि 5 हो रहे हैं। तो व्यू चेक करो आप लोग दोस्तों, माशाल्लाह सुबह का बेहतरीन किस्म का व्यू है, ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे ये अकेला शेर बन के बाहर क्यों आया हुआ है और ये और क्यों नहीं आ रहे, असल में दोस्तों आपको भाई ये टोपी भी लाया था, ये बूट भी लाया था, जराबे शराबे चादर शादर सब कुछ ना, तो फिर VIP मॉल में हमें इतनी ठंड नहीं लग रही अल्लाह के फजल करम से। तो बाकी होती है फिर बात, आप लोग की दुआएँ अल्लाह का करम है यार, वालदैन की दुआएँ यहाँ तक पहुँच गई, और नाम ने कहाँ सोचा था यार, चेक करो भाई स्विट्ज़रलैंड ऐसे नहीं कहा जाता सवाद को, पाकिस्तान का वजह। वाह मैंने शरबत किया था दोस्तों, हमने अपने कैंपिंग नाइट पूरी मुकम्मल करके सारी तराइयां उतर के हम नीचे आए हैं और अब पानी पीने लगे हैं। और यहाँ पे भी पिछले सीन में भी मैंने आप लोगों को ट्राउट फिशेस दिखाई थी, और ये दोबारा देख लो, और ये नेचुरल साफ पानी, चश्मे का पानी, पहाड़ों का पानी। तो होती है फिर बात आप लोगों से। लोग एक बाइक मार्केट में बैठे हुए हैं, ये रही मेरी बाइक, वो आ
तो सीन कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों कि महमूद की बाइक का जो है ना टैंकी से कोई लीकेज हो गई है, तो पेट्रोल लीक हो रहा है, तो इसलिए हम बैठे हुए हैं। वो उसकी बाइक अब सारा पेट्रोल निकलेगा, फिर वो टांका लगेगा, फिर पेट्रोल वापस चलेगा, तकरीबन एक घंटे का ठीक है। व्लॉग इंजॉय किया आप लोगों ने? तो दोस्तों उतना कोई परफेक्ट किस्म का व्लॉग नहीं था ये, लेकिन फिर भी आपके भाई ने इस कठिन सफ़र में भी आप लोगों को याद रखा कि यार आपका भाई मज़े भी कर रहा था, मुश्किलें भी झेल रहा था, थकावट थी, लेकिन मैंने कहा यार YouTube वाली पब्लिक को भी याद रखना है, तो मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों ये जोड़ तोड़ करके ये इससे कुछ निकाले हैं। तो यही था दोस्तों हमारा ये टूर, और दोस्तों ये तो सिर्फ कह लो गबीन जब्बा की हाईलाइट मैंने दिखाई है, और जगहों की जो हाईलाइट थी ना वो स्नैप्स में थी, तो वो मैं कैसे दिखाता, तो उसकी स्टोरी वक्तन फ़क्तन मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ उसको भी फॉलो कर लो, तो स्नैप्स बाकी जगह आप लोग उधर इंजॉय कर लेना, और बाकी गबीन जब्बा की जो मेन हाईलाइट थी वो मैंने इधर आप लोगों को दिखा दी है। तो बाकी यार दोस्तों इंसान है, गलती होती है, तो कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। तो मिलेंगे आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। यूट्यूब छोड़ी नहीं है, ऐड कर रहे हैं, बनना है यूट्यूबर इंशाल्लाह। तो अभी के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।